हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफस्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं आप सबके लिए जीरा मटन रेसिपी लेकर आ गई हूँ। मटन तो आपने बहुत बार बनाया होगा, क्या आपने जीरा मटन बनाया है? अगर नहीं बनाया तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए चलते हैं किचन में और देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हाफ के जी ओनियन को अच्छे से बारीक से चॉप कर लेंगे और 3 से 4 ग्रीन चिली को चॉप कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और ओनियन और ग्रीन चिली को इसमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं 50% ओनियन हमारी फ्राई हो चुकी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़े से नमक को ऐड करके अगर हम ओनियन को फ्राई करते हैं तो 1 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाती है। यहाँ पर मैंने 1.5 kg मटन लिया है, इसे अच्छे से वाश करके छन्नी में रख दिया है। ओनियन हमारी फ्राई हो चुकी है, मटन को इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम को कर देंगे। बराबर से इसे चलाते हुए मिक्स करना है। 1 मिनट तक ओनियन के साथ इसे फ्राई होने देना है। आप देख सकते हैं मैं 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही। ओनियन और मटन को 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करते हुए मिक्स करेंगे। अगर इस ट्रिक के साथ आप भी मटन बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी मटन रेसिपी आपकी बनके रेडी होगी। आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है। स्वाद अनुसार इसमें नमक को ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक को ऐड किया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए क्लोज लिड करेंगे ताकि मटन से जो पानी रिलीज़ होना है अच्छे से रिलीज हो जाए। नमक को ऐड किए हुए 1 मिनट हो चुका है। इसमें 4 बड़े चम्मच हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट को ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाते हुए मैंने 1 चम्मच इसमें जीरे को ऐड किया था। आप भी 1 चम्मच जीरे को इसमें ज़रूर ग्राइंड करें। अगर आप अलग से भी ग्राइंड करके ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बराबर से मिक्स करते हुए कुक करना है। खड़े साबुत मसाले और 2 रेड चिली इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से रेड चिली को इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने इसे बराबर से चलाते हुए मिक्स कर दिया है। इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो चुका है। इसमें खड़ा साबुत साया जीरा जो आता है पुलाव के लिए, इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसे हम 2 बड़े चम्मच यूज करेंगे। आप देख सकते हैं साया जीरे को मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड कर दिया है। चारों तरफ से फैलाते हुए इसमें ऐड करना है ताकि चारों तरफ इसका फ्लेवर अच्छे से आए। और इसे बराबर से चलाते हुए मिक्स कर देना है। इसे 10 मिनट तक के लिए क्लोज लिड करेंगे और बारी बारी से चलाते हुए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं इसे ओपन करके चलाते जा रही और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक कर रही ताकि मटन अच्छे से गल भी जाए और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो। फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप भी इस ट्रिक के साथ मटन बनाना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ मैंने बनाया है और ये मटन बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर आप भी बिल्कुल अलग फ्लेवर में मटन खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुश कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख सकते हैं मटन हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो ग्रेवी इसमें लगा सकते हैं। मुझे बिल्कुल इसमें ग्रेवी नहीं रखना, मैं ऐसे ही इसे भुना रखूँगी, इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी को नहीं लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी को ऐड करके ग्रेवी बना सकते हैं। मटन हमारा भुन के रेडी हो चुका है। इसे 10 मिनट हो चुका है। ईजिली इसे हम 15 से 20 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मैं इसे बराबर से चलाते हुए 5 मिनट तक और भून लूँगी ताकि मसाला भी बिल्कुल कच्चा ना रहे और तेल भी अच्छे से रिलीज़ हो जाए, मटन भी बिल्कुल कुक हो जाए। अगर आप भी जीरा मटन बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मटन हम सब बनाते हैं, हर घर में बनते रहता है। क्या आपने जीरा मटन कभी ट्राई किया? अगर नहीं किया तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। नान रोटी के साथ या चपाती के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इस रेसिपी को एक बार बना के कमेंट करिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप देख सकते हैं जीरा मटन बन के रेडी हो चुका है। मैं चलिए इसे इन्जॉय करने। आप किस चीज़ से खाना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी बहुत ही सुपर टेस्टी मटन बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फुल वॉच करिए। और आज की मेरी रेसिपी आपको कितना यूज़फुल लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।